गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्री समर्पण ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज आपके लिए जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो है अपना वस्त्र उद्योग का। अपन ने इससे पहले लोहा उद्योग के बारे में पढ़ा था, लोहा इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ा था। अपन स्टडी कर रहे थे कि जो विश्व के जो प्रमुख उद्योग हैं, विश्व के प्रमुख उद्योगों की चर्चा कर रहे थे, जिनमें लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग माने जाते हैं। तो आज चर्चा करेंगे अपने वस्त्र उद्योग के बारे में। देखिए, वस्त्र उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है, जो मनुष्य की जो आधारभूत आवश्यकताएँ होती हैं उनमें वस्त्र एक विशेष आवश्यकता होती है। भोजन की अगर बात करें अपन कि मनुष्य को जिस प्रकार से भोजन की आवश्यकता है, भोजन के बिना नहीं रह सकता है, उसी प्रकार मनुष्य वस्त्र के बिना भी नहीं रह सकता है। कि जैसे अपन पहले की बात करते हैं कि पहले मनुष्य असभ्य मनुष्य था, उसका विकास नहीं हुआ था, तो वो बिना वस्त्र के भी रह सकता था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता गया, उसके दिमाग की सोच बढ़ती गई, तो उनका एक शरीर का एक अंग बन गया, क्या? वस्त्र। क्यों? वस्त्र के बिना वो नहीं रह सकता है। और वस्त्र है एक सामाजिक प्रतिष्ठा का माध्यम भी है, इससे हम एक सामाजिक प्रतिष्ठा का अनुभव भी होता है। आपने देखा होगा कि जो वस्त्र उद्योग प्राचीन उद्योगों में से एक उद्योग माना जाता है। जितने भी जैसे प्राचीन उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, तो इसमें वस्त्र उद्योग भी प्रमुख उद्योग माना जाता है। और इसके द्वारा अपने कह सकते हैं जो विश्व के जो बहुत सारी मात्रा में जो जनसंख्या है, या बहुत अधिक संख्या में जो लोगों को रोजगार का साधन भी उपलब्ध करवाता है। तो इस उद्योग यानी कि वस्त्र उद्योग प्राचीन उद्योगों में महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है। और इस उद्योग का विकास, देखो उद्योग कई प्रकार के होते हैं, लघु उद्योग भी होते हैं, कुटीर उद्योग भी होते हैं, वृहद उद्योग भी होते हैं। तो अपन ये देखते हैं कि जो प्रारंभिक जो उद्योग है वो या तो कुटीर उद्योग के रूप में विकसित होता है या फिर लघु उद्योग के रूप में उसका विकास होता है। लेकिन जैसे जैसे मशीनों या आधुनिकीकरण होता है, नई नई मशीनों का आविष्कार होता है, तो इससे क्या होता है कि उस उद्योग की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है, उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, उसमें एक नयापन आता है, इसलिए वो एक उद्योग बड़े उद्योग की श्रेणी में आ जाता है। तो लेकिन अपने यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि जो सूती वस्त्र उद्योग है, यानी कि सॉरी वस्त्र उद्योग है, वस्त्र उद्योग का विकास कुटीर उद्योग है और एक लघु उद्योग के रूप में इसका विकास हुआ, और भोजन के बाद वस्त्र मनुष्य की प्रमुख मूलभूत आवश्यकताओं के अंदर आता है, और मशीनीकरण ने वस्त्र उद्योग को एक वृहद उद्योग में परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि जो वस्त्र उद्योग है, भाई वस्त्र उद्योग एक ही नहीं होता है, इसमें अनेक प्रकार के अनेक कोटि के वस्त्र होते हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि मानते हैं अपन बात करते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग है, या जैसे रेशमी वस्त्र उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, या पटसन वस्त्र उद्योग है, यानी कि इनको इस वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र है, रेशमी वस्त्र है और पटसन वस्त्र, ये प्रमुख वस्त्र हैं जिनको वस्त्र उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है। और आज अपन इन जो चार जो वस्त्र हैं, सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है, रेशमी वस्त्र है, पटसन वस्त्र है, इनके बारे में चर्चा करेंगे कि इनकी मतलब किस तरह से इसका विकास हुआ और किन देशों में इनका अधिक विकास हुआ और किस तरह से ये आगे बढ़ते चले गए। तो आज अपन ये देखते हैं कि वस्त्र उद्योग में निम्न सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है, नंबर एक पे रखा हुआ है सूती वस्त्र उद्योग, सेकंड नंबर पे रखा है ऊनी वस्त्र उद्योग, थर्ड पे रखा है रेशमी वस्त्र उद्योग, और जो पटसन उद्योग है ये इनमें चौथे स्थान पे है, क्योंकि सबसे अधिक महत्व किसका है? सूती वस्त्र उद्योग का। आज आप हम आम नागरिक की बात करते हैं तो इस वस्त्र की बहुत अधिक डिमांड होती है, ठीक है, तो धीरे धीरे इनकी डिमांड बढ़ती जाती है। तो इस तरह से अपन चर्चा करते हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सूती वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। वस्त्र उद्योग में जितने भी वस्त्र उद्योग है उनमें सूती वस्त्र एक ऊपर लेवल पे आता है, महत्वपूर्ण उद्योग की श्रेणी में आता है। अपन ये देखते हैं कि जो सूती वस्त्र उद्योग है इसकी स्थापना कहाँ की जा सकती है, या जो सूती वस्त्र उद्योग है इसके प्रमुख कारक कौन से हैं कि जो इसके उत्पादन में सहयोग होते हैं या इसके उद्योग के विकास में भूमिका निभाते हैं, उनकी चर्चा अपन यहाँ पर करते हैं। देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि सूती वस्त्र उद्योग ये सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है और
स्थापना में सहायक कारक निम्न हैं। पहला है कपास। तो कपास क्या है? ये सूती वस्त्र उद्योग की पहली इकाई है कि यहाँ से प्रारंभ होता है और एक कृषि क्षेत्र से, यानी कि जो अपना जो प्राइमरी जो क्षेत्र रखा था अपने सूती जिसमें कृषि की जाती है, तो वहाँ से जो ये कपास है पैदा की जाती है, कृषि के रूप में पैदा की जाती है, जो अपन रुई कहते हैं साधारण भाषा में, कॉटन वो है। तो जहाँ पर देखो अच्छी मात्रा में कपास पैदा होती है उसके आसपास के क्षेत्र में ये सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की जा सकती है, ठीक है। दूसरा है जल विद्युत शक्ति। भाई जल विद्युत शक्ति यानी कि किसी भी उद्योग को चलाने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता होती है, जैसे जल विद्युत शक्ति है, सौर ऊर्जा शक्ति है, या जो परमाणविक शक्ति है, ठीक है। तो इनमें जल विद्युत शक्ति की इसको बहुत आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर जल विद्युत शक्ति का होना जरूरी है, ठीक है। जहाँ पर अपने उद्योग की स्थापना करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर जल विद्युत शक्ति का होना आवश्यक है। एक है कुशल श्रमिक। भाई सूती वस्त्र उद्योग में श्रमिकों की अधिक आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कपास का बोना है, उसकी डोरियों को चुनना है, उसकी गांठें बनानी है, फिर उसको बिलोला और जो कॉटन को अलग करना है, फिर उससे धागा बनाना है, तो यानी कि बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता होती है। लेकिन मजदूर कैसे होने चाहिए? कुशल श्रमिक, यानी कि जो कार्य करने में जो दक्ष और निपुणता हो, इस प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो जहाँ पर कुशल श्रमिक होते हैं वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का विकास तेजी से होता है। क्यों? कि जहाँ पे जो श्रमिक नहीं मिल पाते हैं तो ये श्रमिक महंगे हो जाते हैं, ठीक है, इनको अधिक वेतन देना पड़ता है। लेकिन जहाँ कुशल श्रमिक और अधिक संख्या में होते हैं वहाँ सस्ती दर पर श्रमिक आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। एक है भाई सूती वस्त्र या कपास उत्पादन के लिए एक जो तटीय जलवायु है, तर जलवायु कहने का मतलब, उसको आर्द्र जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्र जलवायु। तो जहाँ पे आर्द्र जलवायु होती है वहाँ पर कपास का उत्पादन सही मात्रा में होता है, ठीक है, और वहाँ पर इस उद्योग को लगाने में सुगमता होती है, ठीक। अगला पॉइंट है परिवहन एवं संचार। ये तो मोस्टली सभी उद्योगों के लिए आवश्यक है, चाहे कैसा भी उद्योग लगा लो उसके लिए परिवहन और संचार अति महत्वपूर्ण आवश्यकता हो गई है। क्योंकि इनके बिना निर्मित सामान को बाजार तक पहुंचाना या जहां पे कच्चे माल की प्राप्ति उसको कल कारखानों तक पहुंचाना, ठीक है, सूचना आदान प्रदान करना, इसके लिए परिवहन और संचार की अति आवश्यकता होती है। तो जिन क्षेत्र में इन सब की सुगमता होती है, कपास भी आसानी से मिल रहा है, जल शक्ति भी मिल रही है, कुशल श्रमिक भी मिल रहे हैं, आर्द्र जलवायु भी वहाँ पे मौजूद है, और वहाँ पर परिवहन के साधन भी परिपूर्ण है और संचार की जो सुविधा भी है, तो ऐसे क्षेत्र में सूती वस्त्र का विकास तेजी से होता है और ये धीरे धीरे विकेंद्रीकृत होता चला जाता है, ठीक है। अब विकेंद्रीकृत कैसा होगा कि अन्य क्षेत्र में भी इस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर ऐसे संसाधन एक ही जगह रहे तो यही इनका केंद्रीकरण हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं कि प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक देश, अब जो विश्व में जो बहुत सारे देश हैं जहाँ पे सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अपन उन्हीं देशों की बात करेंगे जो अग्रणीय हैं, प्रथम दूसरे तीसरे स्थान पर आते हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं चीन की। देखो चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर जनसंख्या भी बहुत अधिक है, लौह इस्पात में भी अग्रणीय देश है, इसी प्रकार से चीन में सूती वस्त्र का उत्पादन भी अग्रणीय है। सूती वस्त्र उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान माना जाता है, ठीक है। अब चीन में वो स्थान देखेंगे जहाँ पर इसका केंद्रीकरण हुआ है, जहाँ पर इसका विकास हुआ है, तो चीन में से संघाई है, कैंटन है, सिंगटाओ है, इसके साथ में टिनशिन है, सांतुम, ये प्रमुख ऐसे केंद्र हैं या ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई है, वहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि इन क्षेत्रों में कपास की उपलब्धता है, श्रमिकों की उपलब्धता है, आर्द्र जलवायु है, या परिवहन संचार की उचित व्यवस्था है, ठीक। सेकेंड नंबर पर बात करते हैं तो सेकेंड नंबर पर भारत आता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि सूती वस्त्र के उत्पादन में भी भारत का कौन सा स्थान है। भारत का सूती वस्त्र में विश्व में दूसरा स्थान है। पहला किसका है? चीन का। पहला किसका था? अभी अभी अपन ने अध्ययन किया है कि पहला स्थान किसका है? चीन का। तो सेकेंड स्थान किसका है? भारत का है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि भारत के अंदर सूती वस्त्र जो आप सूती वस्त्र उद्योग लगाना चाहते हैं या ऐसे कौन से क्षेत्र जहाँ पर सूती वस्त्र का तेजी से विकास हुआ, ऐसा क्यों हुआ? देखिए जैसे मान लो आप महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के जो तटीय क्षेत्र हैं, मुंबई या इसके आसपास के क्षेत्र हैं। गुजरात की बात करते हैं तो कांडला जो बंदरा इसके आसपास के क्षेत्र हैं। इधर अपन चेन्नई की बात करते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं, पश्चिमी बंगाल की बात करते हैं, तो एक ऐसे राज्य हैं। एक तो वहाँ की जलवायु कैसी है? नम जलवायु है, आर्द्र जलवायु है। दूसरी बात
कि ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बंदरगाह स्थित हैं। तो बंदरगाह एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर किसी भी वस्तु को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है या बनी वस्तु को अन्य स्थान पर उसको भेजा जा सकता है। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसे देश हैं या ऐसे केंद्र हैं यहाँ पे जहाँ पर पूंजी का अभाव नहीं है, ठीक है, यहाँ पे श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए इन क्षेत्र में भारत में भी सूती वस्त्र का तेजी से विकास हुआ। जैसे मान लो कि भारत में सबसे पहले जो इसका जो बड़ा उद्योग स्थापित किया गया था, आपने को सुना होगा कि सूती वस्त्र की स्थापना 1853 में मुंबई में की गई थी। इसके पहले 1818 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन एक आधुनिक रूप से ये वस्त्र है 1853 में स्थापित किया गया था। अब देखिए भारत में ऐसे कौन से केंद्र हैं जहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है या सूती उत्पादन से संबंधित वो क्षेत्र महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो इसमें देखो पहले मुंबई, जिसको आधुनिक नगरी भी कहते हैं सूती वस्त्र की, अहमदाबाद है जो गुजरात में पड़ता है, सोलापुर महाराष्ट्र में पड़ता है, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, ये ग्वालियर है एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ता है, बड़ौदा, नागपुर, इंदौर, ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर सेकंड बार आ गया, ठीक है ना, और इसके अलावा कोलकाता है, ठीक है, दिल्ली, कानपुर है, कानपुर तो यूपी में पड़ता है, ये भीलवाड़ा जानते हैं, या पाली ब्यावर, ये पाली ब्यावर राजस्थान के एक क्षेत्र है, भीलवाड़ा भी राजस्थान का ही है। तो यहाँ पर भी सूती वस्त्र उत्पादन के लिए उसके अनुकूल जलवायु है, अनुकूल उसके लिए कच्चे पदार्थ आसान से मिल जाते हैं, कुशल श्रमिक भी मिल जाते हैं, ठीक है, इसलिए भारत का कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है। अब आगे बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, काफ़ी विकसित देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का इस सूती वस्त्र उत्पादन में इसका तीसरा स्थान है विश्व में, भारत और चीन और भारत के बाद में देखते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में देखिए दो तीन जगह हैं, जैसे न्यू इंग्लैंड है जो मध्य अटलांटिक के जो आसपास के जो प्रदेश हैं, या इसके पास में एक स्थान है जिसका नाम अपलेशियन पर्वत का नाम सुना होगा, तो अपलेशियन के आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। ये निम्न क्षेत्र हैं जैसे न्यू इंग्लैंड है, या न्यू इंग्लैंड के साथ साथ में आपका मध्य अटलांटिक के राज्य हैं, और जो अपलेशियन पर्वत के आस या अपलेशियन राज्य की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पादन काफ़ी तेज़ी से हुआ है, ठीक है। अब ये था अपना सूती वस्त्र उद्योग, फर्स्ट नंबर का उद्योग था। अब सेकंड नंबर के जो उद्योग की बात करते हैं वस्त्र उद्योग में, तो वो आता है आपका ऊनी वस्त्र उद्योग। कौन सा आता है? ऊनी वस्त्र उद्योग, जहां देखो इधर देखिए सेकंड नंबर पे ऊनी वस्त्र उद्योग है। देखिए अगर अपन उद्योगों की वस्त्र उद्योगों की दृष्टि से बात करते हैं तो ऊनी वस्त्र उद्योग है ये एक दूसरा सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है, और इस उद्योग का जो तीव्र विकास है या इसमें जो तीव्रता है वो 17वीं शताब्दी में, कौन से शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, और वो भी एक यूरोपीय देश, कौन सा देश, यूरोपीय देश इंग्लैंड में इसका विकास हुआ, काफ़ी तेज गति से विकास हुआ। वहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंग्लैंड में आधुनिकीकरण हुआ था, मशीनीकरण हुआ था, औद्योगीकरण हुआ था, तो उसके दौरान वहाँ पर नई नई मशीनें बनी, वस्त्र संबंधी मशीनों का निर्माण किया गया, तो वहाँ पर इस ऊनी वस्त्र का तेजी से विकास हुआ। तो कब हुआ? 17वीं शताब्दी में, यहाँ देखो नोटेट कर रखा है कि 17वीं शताब्दी में इसका विकास काफ़ी तेज हुआ, और वो भी कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। सेकंड नंबर का वस्त्र उद्योग है ये। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, जो विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर के लगभग 45 तक चला था, जो जापान पे नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिरा था, उसके समय की बात है, उसके बाद जापान में इस उद्योग का काफ़ी विकास हुआ। इसका कारण क्या था, रीज़न क्या था कि जापान में जो तकनीकी काफ़ी उच्च क्वालिटी की है, फिर पूंजी प्रधान देश है, विकसित देश है, तो वहाँ पर नई नई मशीनें बनाई गई, और नई नई मशीनें बना करके इस ऊनी वस्त्र का जो लेवल था उसको काफ़ी ऊपर किया गया। वहाँ पर ऊनी वस्त्र काफ़ी तेज़ी से बनने लगे, इसलिए इसमें तीव्रता आ गई। फिर ये क्या है कि मूल्य की दृष्टि से देखते हैं, मूल्य की दृष्टि कई तरह से देखते हैं इसको, तो मूल्य की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है। मूल्य की दृष्टि से देखते हैं तो ऊनी वस्त्र उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है। अब देखिए जिस प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग के विकास में कुछ कारक थे, सहायक कारकों की बात की थी, तो उसी प्रकार से इस उद्योग में भी कुछ एक सहायक कारकों की आवश्यकता होती है, कि ऐसे कारक जहाँ पर बात कर रहे थे कि यहाँ पे कपास मिलता है, जल विद्युत थी, कुशल श्रमिक थे, आर्द्र जलवायु थी, परिवहन था, तो उसी प्रकार अब यहाँ पर कपास की बात तो करेंगे नहीं कि वस्त्र ऊनी है, तो यहाँ पर बाजार सबसे पे मोस्टली क्या है कि इसकी जो डिमांड है,
क्लाइमेट के आधार पे होती है। तो जहाँ पे बाज़ार है तो बाज़ार के पास होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। फिर कच्चे माल की उपलब्धता, कि जैसे मान लो कि बाज़ार के पास तो इसको निर्धारित कर दिया, लेकिन इसके आसपास कच्चा माल भी मिलना चाहिए। फिर वही कुशल श्रमिक, पूंजी और यातायात, किसके लिए आवश्यकता होती है। तो जहाँ पे बाज़ार की सुविधा उपलब्ध है या बाज़ार पास में है, वहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता हो रही है, कुशल श्रमिक हैं, उपलब्ध पूंजी है, यातायात और जो संचार है उसका जो लेवल काफ़ी आगे है, उच्च तकनीकी के यातायात के साधन हैं, उच्च तकनीकी के संचार के साधन हैं, तो वहाँ पर इसका विकास किया जा सकता है। अब ऊनी वस्त्र उत्पादक के देशों की बात करते हैं कि विश्व के ऐसे कौन से देश हैं जहाँ पर ऊनी वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। देखिए, उनका जो दो तिहाई जो उत्पादन है, उनका दो तिहाई का मतलब कितना हो गया, लगभग 66% जो उत्पादन है, जो यूरोप के देश, यूरोप महाद्वीप की बात कर रहे हैं अपन, अब उन यूरोपीय देशों में केंद्रित है, यानी कि दो तिहाई इसका उत्पादन यूरोप के देशों के अंतर्गत होता है, वहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में रूस है, चीन है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, पोलैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है, ये भी प्रमुख ऊन उत्पादन देशों के अंतर्गत आते हैं, यूरोपीय देशों को छोड़ करके। ठीक है भाई, शेष भाई 36, इसका जो 34% जो शेष रह रहा है वो इन देशों में उत्पादित तो होता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी देश हैं, जैसे दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं, कौन से गोलार्ध की बात करते हैं, दक्षिणी गोलार्ध की, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, नाम सुना है, दक्षिणी अफ्रीका है, अर्जेंटीना है, या यूरोग्वे है, ये ऐसे देश हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं जहाँ पर ऊनी वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। अपन इसको उत्तरी गोलार्ध और नॉर्थ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की दृष्टि से भी भाई, जो रूस, चीन, जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पोलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, ये जो देश हैं ये किधर पड़ते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। अपन इसको गोलार्ध की दृष्टि से देख सकते हैं, इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, अर्जेंटीना और जो यूरोग्वे है, ये प्रमुख दक्षिणी महाद्वीप के देशों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब अपने ये बात करते हैं जो रेस, ये अपना तीसरा जो उद्योग है वह रेशमी वस्त्र उद्योग है। ऊनी वस्त्र पूरा हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, याद करने की दृष्टि से छोटा है। अब रेशमी वस्त्र उद्योग की बात करते हैं। देखिए, रेशमी वस्त्र उद्योग, अभी चीन की बात कर रहे थे कि सूती वस्त्र उद्योग में चीन का प्रथम स्थान है, तो रेशमी वस्त्र उद्योग का जो विकास की बात करते हैं, सबसे पहले जो इसका जो ये जहाँ डेवलप हुआ, जहाँ इसका विकास हुआ, वह देश चीन ही है। कौन सा देश है, चीन है, और उस चीन में इस उद्योग का विकास है एक कुटीर उद्योग के रूप में, यानी कि जो छोटा उद्योग है। कुटीर उद्योग के बारे में तो आप जानते हैं कि ऐसा उद्योग होता है जिसमें परिवार के एक दो सदस्य मिलकर के या दस तक सदस्य मिलकर के जो कार्य करते हैं, किस चीज़ का निर्माण करते हैं, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो इस प्रकार के उद्योग किस में आते हैं, कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। तो इसका जो विकास है वो सबसे पहले किसके रूप में हुआ, कुटीर उद्योग के रूप में हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये बात करते हैं कि जो रेशम है काफ़ी महंगा होता है, और महंगा होने के कारण क्या हुआ कि जो पहले जो धनी लोग थे ना, पैसे वाले लोग थे, ठीक है, राजा महाराजा लोग थे, तो उनकी विलासिता की वस्तु थी ये, लोग शौक के लिए इसका प्रयोग करते थे, आम आदमी इसका प्रयोग नहीं कर सकता था। इसीलिए अब इसके सामने समस्या क्या आ गई कि ज़्यादा डिमांड नहीं होने के कारण, आम जनता के ले उपलब्ध नहीं होने के कारण है, या कुछ लोगों की तक सीमित होने के कारण ये एक ही जगह सीमित रह गए, एक ही जगह, यानी कि एक ही जगह तो नहीं, लेकिन कुछ ही जगह सीमित रहा। इसका विस्तार जैसे सूती वस्त्र का विकेंद्रीकरण हुआ या ऊनी वस्त्र का विकेंद्रीकरण हुआ, इस प्रकार से इस उद्योग का विकेंद्रीकरण नहीं हो पाया, जिसके कारण ये सीमित क्षेत्र में सिमट करके रह गया। ठीक है, अब ये देखते हैं कि जो ये रेशम होता है, जो दो कई तरह के होते हैं, जैसे प्राकृतिक रेशम भी होता है, ठीक है, कृत्रिम रेशम भी होता है। प्राकृतिक रेशम एक तरह से तैयार किया जाता है एक बायोजीमो नामक एक कीड़े होता है, उस कीड़े की लार से जो पदार्थ प्राप्त होता है उससे अपने एक रेशम तैयार करते हैं। ये एक सैतूत की जो पत्ते होते हैं उस पर कीड़ा रहता है, और ये क्या करता है, अपने चारों तरफ एक अपने लार छोड़ता है, और लार के दौरान क्या करता है, कोया बनाता है। अब कोए को कोकून कहते हैं, क्या कहते हैं, कोकून। तो जैसे वो कीड़ा उसको बाहर निकलता है तो उसको इकट्ठा करके फिर उसको अपन रेशम तैयार कर सकते हैं। तो इसके तीन तरह से इसको तैयार किया जाता है। सबसे पहला तो कंडीशन क्या है, इसमें कोए का उत्पादन होता है। सबसे पहले बार तो क्या होगा कि कोया बनेगा, वो सहतूत का जो पत्ता है
उस पर जो कीड़ा है वो क्या करेगा, अपने चादरों कोया बनाएगा, ठीक है। सेकंड बार में क्या करते हैं कि अपन जो जो बना हुआ कोया है उसको उसे अलग करेंगे, ठीक है, और उसे रेशम का अलग लेकर के उसका धागा बनाएंगे। और तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि हम उस धागे से उस रेशम का कपड़ा बना लेते हैं। इसलिए इसके तीन स्तर हो गए, पहला कोया बनता है, उसके बाद में रेशम बनता है, उसके बाद में उसका कपड़ा बनाया जाता है। तो एक प्रकार से कीड़ा होता है जो शहतूत के पत्ते होते हैं उस पर रहता है, वो अपने चारों तरफ कोया बनाता है, फिर कोए को अपन अलग करते हैं, फिर उससे रेशम के धागे बनाते हैं, फिर उससे क्या करते हैं कपड़े बना लिया जाता है। अब देखिए प्राकृतिक रेशम उत्पादक देशों की बात करते हैं तो प्राकृतिक रेशम उत्पादन में देखो चार देश प्रमुख हैं, जिनमें है जापान है, चीन है, रूस है और भारत है। कौन कौन से हैं? जापान, जापान का प्रथम स्थान है, जापान 50% प्राकृतिक रेशम का उत्पादन करता है। इसके बाद में चीन का स्थान है, यहाँ पर लगभग 28% रेशम का उत्पादन किया जाता है। थर्ड नंबर पे भारत और रूस है, जहाँ पर लगभग 6% यानी कि 6% इसे प्राकृतिक कपास या रेशम, सॉरी कपास का ना हो गया, प्राकृतिक रेशम का उत्पादन किया जाता है। देखिए अब अपन ये देखते हैं कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंसिल्वेनिया, देखो अंडरलाइन करो इसको, पेंसिल्वेनिया विशेष माना जाता है। पेंसिल्वेनिया संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अग्रणीय रेशम उत्पादक राज्य माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो पेटरसन नगर है, पेटरसन नगर को संयुक्त राज्य अमेरिका का रेशम नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशम नगर कहा जाता है। मैंने अलग पेन से लिखा है कि पेटरसन नगर को संयुक्त राज्य अमेरिका का रेशमी नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर रेशम का उत्पादन किया जाता है। ये तो थे संयुक्त राज्य अमेरिका की। अब फ्रांस की बात करते हैं कि फ्रांस की जो रोन घाटी है वहाँ पे एक लियोन्स नगर है। क्या नाम है? लियोन्स नगर, देखो रेड पेन से लिखा हुआ है। तो उस लियोन्स नगर भी रेशम उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। कहाँ का है? अभी दे रखा है फ्रांस का, फ्रांस की रोन घाटी है, उस घाटी में लियोन्स नगर है जो प्रमुख रेशम उत्पादक केंद्र माना जाता है। इसी प्रकार से अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में देखो कोलकाता है, मैसूर है, बेंगलोर है, इसके साथ में चेन्नई है, ये भी प्रमुख रेशम उत्पादक राज्यों की श्रेणी में आते हैं जो भारत के अंतर्गत हैं, ठीक है। तो ये तो था अपना रेशम उद्योग। अब आपका इसमें जो लास्ट का जो चौथे नंबर का था, चौथे नंबर का कौन सा था? या देखो पटसन वस्त्र उद्योग, पटसन वस्त्र उद्योग, ठीक है। इसका इस्तेमाल अधिकतर पहनने में नहीं किया जाता है, बल्कि इसका इस्तेमाल है पैकिंग के जो सामान बनते हैं ना उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो जूट वस्त्र उद्योग है, जूट उद्योग का संबंध जैसे टाट है, टाट बोरिया नाम सुने होंगे आपने, जो जूट की जो पट्टियाँ बनती हैं, कपड़े बनते हैं, या मोटी जो दरिया बनती हैं, तो जहाँ पे इनका उत्पादन होता है वो जूट वस्त्र उद्योग से संबंधित होते हैं। अब देखिए जो जूट है, यानी कि जूट को अपन क्या करते हैं, कपास के साथ में मिलाते हैं, ठीक है। जो उत्तम कोटि का जो जूट होता है, उच्च कोटि का जूट होता है, इसको कपास या ऊन के साथ मिला करके, किसके साथ मिलाते हैं? कपास या ऊन के साथ मिश्रण करके उसके द्वारा उत्तम जो गुणवत्ता युक्त जो वस्त्र होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। अब जूट की कृषि के बारे में अपन बात करें, भाई जूट का जो उत्पादन है सभी देशों में लगभग बहुत कम होता है, लेकिन भारत और जो बांग्लादेश हैं ये ऐसे देश हैं जो जूट उत्पादन में अग्रणीय माने जाते हैं। देखिए अब इसकी जो खेती भारत के आसपास के क्षेत्र में कहाँ की जाती है, जो बांग्लादेश है तो वहाँ पे जैसे ब्रह्मपुत्र नदी जो घाटी क्षेत्र है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र बहुत सारी घाटियों का निर्माण करती है, उसी प्रकार से जो गंगा नदी जो अपना डेल्टा बनाती है तो ये भारत और बांग्लादेश की सीमा उसके अंदर बनाती है, तो वहाँ पर इस कपास का, सॉरी इस जूट का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसलिए बांग्लादेश और भारत जूट की कृषि में अग्रणी माने जाते हैं, ठीक है। इसकी खेती गंगा नदी के डेल्टा व ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्रों में की जाती है। ये उद्योग भारत, बांग्लादेश, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, स्पेन, स्वीडन, जापान, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके साथ साथ चीन, थाईलैंड आदि देशों में भी किया जाता है। और लास्ट में एक बहुत बढ़िया बात है, नोटेड करना इसको, नोट लगा के लिखना कि भारत और बांग्लादेश जो जूट से बनी वस्तु होती हैं, भारत और बांग्लादेश
जो जूट से बनी वस्तु होती हैं उनके निर्यात करने में अग्रणी देश माने जाते हैं, प्रमुख निर्यातक देश माने जाते हैं। तो ये थे अपने प्रमुख वस्त्र उद्योग, ठीक है, जिसमें अग्रणी कौन सा सबसे आगे कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग, उसके बाद में कौन सा रहा आपका ऊनी वस्त्र उद्योग, उसके बाद में कौन सा रहा है रेशम उद्योग, उसके बाद में कौन सा रहा है पटसन उद्योग।